गाइस देखिए अभी इसका ये 1 पॉइंट रोशनी है, अभी मैं इसको 2 पॉइंट में करता हूँ और इसकी रोशनी देखिएगा आप। देखिए काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है, आपको दिख रहा होगा। आप भी अपने घर में एमएनसी लाइट को रिपेयर करके आप भी इतना अच्छा बना सकते हो ये। सो हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको ये एमएनसी लाइट देख रहे हैं आप, जो बहुत बड़े साइज का है। देखिए कुछ इस तरह, मैं आपको आज ये रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं ऑन भी कर रहा था, कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत टाइम से रखा हुआ था, ये इसकी बैटरी लगता है पूरी डेड हो चुकी है। ये हैवी थोड़ा सा है, इसके अंदर लेड एसिड बैटरी है। मैं आपको इसके अंदर नीचे दिखाना चाहूँगा, देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर चार्ज टाइम 12 आवर्स। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर इसका चार्जर भी है, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया इसको, देखे यहाँ पर एक 3 पिन सॉकेट है जिसको आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा सकते हो। लगा करके इसको आप चार्ज कर सकते हो। 220 वोल्ट एसी बोर्ड में आपको डायरेक्ट लगा देना है। इसका एक सॉकेट आता है, उसके साथ लगाना चाहिए इसको। मैंने इसको अंदर कर लिया, अभी मैं इसको उसका ढक्कन लगा देता हूँ और चलिए हम इसको ओपन करके इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या ख़राबी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लेड एसिड बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है, इसको हमें ठीक करना है। देखिए यहाँ पर स्क्रू लगे हुए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा है और यहाँ पर 2 है। तो मैं इसको फटाक से आपके सामने खोल लेता हूँ। यहाँ एक सामने भी स्क्रू है, इसको भी खोल लेता हूँ मैं। तो देखिए इसके अंदर का पूरा राज निकल गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह ये। इसकी ये ग्लास है, देखिए काफी हैवी ग्लास है और इसके नीचे लिखा हुआ भी है अनब्रेकेबल ग्लास। तो देखिए आप, ये इसका मेन लीड है जिससे चार्जिंग होता है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। और ये देखिए इसकी लेड एसिड बैटरी, इसको हम पहले खोल लेते हैं इसका कनेक्टर से। देखिए खुल चुका है, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट और 4.5 AH का ये बैटरी है, सील्ड लेड एसिड बैटरी है ये, सिलिकॉन कंपनी का। तो गाइस मैं इसको अभी सेट कर लेता हूँ और बैटरी को हम अभी रिपेयर कर लेते हैं। पहले मैं इसका ढक्कन हटा लेता हूँ। देखिए मैंने इसके ढक्कन हटा लिया है और देखिए यहाँ पर 3 आपको रबड़ के कैप दिखेंगे, उसको भी आपको खोल लेना है। देखिए मैंने 3 को खोल लिया है। तीसरा क्यों खोल रहा पता नहीं। देखिए मैं 3 को यहाँ पे हटा लिया और मैं आपको इसके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस ये अंदर से बिल्कुल सूखा है, मैं इसको गिराने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं गिरने वाला है। और देखिए इसके अंदर आवाज़ भी नहीं आ रहा कुछ, और ये वाला देख सकते हैं आप, ये तीनों सूखे हैं पूरे एकदम। हमें इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा, बैटरी वाटर जो होता है डिस्टिल वाटर, मेरे पास अभी है। देखिए हाईटेक कंपनी का ये एक डिस्टिल वाटर है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप की दुकान में मिल जाएगी,
जहाँ पे इन्वर्टर का पानी मिलता है वहाँ पे आपको आसान से ये मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको सिरिंज में इसको निकाल लेता हूँ। देखिए गाइस मैंने सिरिंज में इसको निकाल लिया है। देखिए इसके ऊपर का जो नोब होता है वो मैंने नहीं लगाया, उसको मैंने प्लायर से निकाल दिया है। देखिए अभी हम इसको इसके अंदर फिल करेंगे बैटरी के अंदर कुछ इस तरह। इसको रख लेता हूँ फिर इसको फिल करता हूँ मैं। देखिए गाइस मैंने तीनों के अंदर एक एक सिरिंज भर दिया, आपको दो दो सिरिंज भरना है। मैं एक और एक सिरिंज इसके अंदर भर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस मैंने तीनों के अंदर पानी भर लिया है दो दो सिरिंज। अब मैं इसके कैप को लगा देता हूँ। ये बैटरी जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था, इसलिए मैंने इसके अंदर चार चार सिरिंज इसके अंदर वाटर भरा। देखिए आपको ये हिलता हुआ दिख रहा होगा, मैंने इसके अंदर पूरा फुल कर दिया है भर करके। सो गाइस मैंने इसका ढक्कन भी लगा दिया है। अभी हमको ये करना होगा कि देखिए एक ट्रांसफार्मर लाना होगा आपको भी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पे जा कर के ये ट्रांसफार्मर से करा सकते हो चार्जिंग। इसको एक ट्रांसफार्मर से आपको इसको चार्ज करना है। ये 6 वोल्ट की बैटरी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 6 वोल्ट की इसकी बैटरी है, तो अभी हम इसको 12 वोल्ट से चार्जिंग करेंगे क्योंकि अभी ये फुली डिस्चार्ज, इसीलिए तो मैं इसको अभी चार्ज में लगा लेता हूँ। आज मैंने इस बैटरी को चार्ज कर लिया, मैं आपको अभी इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मैंने इस बैटरी को चार्ज किया हूँ या नहीं। मैं आपको यह कनेक्टर अभी लगा करके दिखाता हूँ। अभी देखिए यह ग्लो हो जाएगा, मैं इसको लगा लेता हूँ। अभी देखिए गाइस मैंने इस बैटरी को इसमें लगा लिया है, देखता हूँ मैं इसको फिट भी कर लेता हूँ इसी के अंदर। हाँ ये देखिए इसकी बैटरी अच्छी तरह से फिट हो चुकी है, अब यहाँ से हिलने वाली नहीं है ये। अभी मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इस साइड इसका स्विच है, ऊपर करता हूँ मैं। देखिए ये ऑन हो चुका है, अब इसकी बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसीलिए अभी मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से रोशनी दे रहा है। अभी मैं आपको अभी यहाँ पे अंधेरा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, इसे भी ऑन करता हूँ। देखिए अभी इसकी बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसलिए अब इसकी रोशनी इतनी आ रही है। अब ये अगर फुल चार्ज हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी रोशनी देगी। और इस लाइट की खास बात यह है कि आप इसमें अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो और इसको 12 वोल्ट के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट के चार्जर से आप इसको चार्जिंग कर सकते हो। इसका इंडिकेटर लाइट है और इससे आप आउटपुट ले सकते हो 5 वोल्ट। तो हमने इसे अभी रिपेयर कर लिया, अभी इसे हम पैक कर देते हैं। इसका जो दूसरा वाला ढक्कन है इसको पैक करने से पहले इसका ग्लास लगा लेंगे हम। अभी मैं आपको ये पैक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसको पूरा पूरी तरह से पैक कर लिया है।
अभी मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑन हो रहा है। मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से पैक कर लिया है। और देखिए इसका भी जो एक सॉकेट आता है जिससे आप इसको अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर डाल सकते हो, वह मेरे पास अभी नहीं है। मैं अभी इसको 12 वोल्ट से चार्जिंग करूँगा। यहाँ पे मैं इसको चार्ज करके आपको फिर नेट की टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको। गाइस मैं इसको पूरा फुल चार्ज कर चुका हूँ अभी, और मैं इसको अभी अंधेरे में लेकर आ चुका हूँ। अभी मैं आपको फिर इसकी अच्छी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, इसको ऑन करके इसकी रोशनी कितनी है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी ये जो स्विच है इसको मैं वन पे करता हूँ। पहले मोबाइल की लाइट को ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है, इसका अभी भी ये वन पॉइंट है। अभी मैं इसका फुल रोशनी करता हूँ। देखिए क्या रोशनी इसकी, देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी इसकी। आप देख रहे होगे काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी है, और काफ़ी दूर तक जाती है इसकी रोशनी। देखिएगा इसकी काफ़ी अच्छी रोशनी है। आप भी अपने घर में इस लाइट को बना सकते हो। मैंने जिस तरह बताया उस तरह आप इस बैटरी को रिपेयर कर सकते हो आप। सो गाइस आपने इसका नाइट वीडियो देखा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है, बहुत दूर तक भी रोशनी आती है इसकी। देखिए इसमें सब लाइट में फोकस लगा हुआ है, इसमें पूरे 30 लाइट लगे हुए हैं। मैं आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका ये वन पॉइंट है और इसकी ये फुल ब्राइटनेस। मैं आपको सामने दिखाता हूँ अभी। देखिए सामने एक दीवार है, मैं ऑन करता हूँ। वन पॉइंट में इसकी रोशनी बहुत कम है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। देखिए काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है आपको। गाइस मैं आपको इसका सबसे अच्छा फीचर बताता हूँ। देखिए मैंने इसमें इसका 3 पिन लगा दिया जिसमें ये अटैच होता है। मैं इसको आपको खोल करके दिखाता हूँ। देखिए इसके जो चपटे पिन है इसमें ये लगता है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देता हूँ। देखिए मैंने लगा लिया, और जैसे ही मैं इस एमएनसी लाइट को इसमें लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो कट होकर ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं जैसे लगाया ये अपने आप ऑफ हो गया, ये चार्ज में चला गया, चार्ज हो रहा अभी। देखिए जैसे यहाँ से लाइन कटेगी ये ऑन हो जाएगा, और जैसे लाइन आएगी वापस ये ऑफ हो जाएगा। इसका मुझे ये वाला फ्यूचर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा और कुछ नॉलेज मिली होगी तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नई अच्छी और वीडियो के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन से आपको जैसे मैं अपलोड वीडियो करूँगा वैसे आपको अपलोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, फिर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं वीडियो को 2 दिन में बनाया हूँ, और कोई कोई वीडियो को तो 3-4 दिन लग जाते हैं। इसीलिए आप इस छोटी सी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।